गाइस उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का नया व्लॉग शुरू करते हैं। आपका भाई जाने वाला है पेशावर, उमर भाई भी साथ होने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल वाला आइकन प्रेस कर लो। व्लॉग बड़ा मजेदार होगा। आपका भाई आपको बताएगा किस तरह से काइट बनते हैं, वहाँ पे कैसे कैसे काइट मिलते हैं, शौक दिखाएगा, पूरा शौक होने वाला है। तो जल्दी से आज का जो व्लॉग है ना शुरू करते हैं। बहुत सारा यार स्टॉक लेके आएंगे, छोटी बड़ी किस तरह की भी, परी काइट्स, दोखली काइट, रंग बिरंगे गुड्डे, डोरे शोरे, ढेर सारा स्टॉक लेके आएंगे। इतना गुड्डा लेके आना कि आप लोगों ने कहना कि यार व्यास भाई कमाल कर दिया। आप लोगों को ये व्लॉग बहुत ज्यादा पसंद आएगा। ज्यादा से ज्यादा इस व्लॉग को सपोर्ट करना है। अभी जो है ना कुछ तैयारी श्यारी करते हैं और जो है ना हमने फिर थोड़ी देर में जो है ना पेशावर के लिए निकलना है। भाई ने यार बैग शैग जो है ना पैक कर लिया और फ्रेश हो गया, नहा धो के कपड़े शपड़े भी बदल लिए। मैंने कहा यार फ्रेश होते हैं और चलते हैं यार, निकलते हैं। एक घंटा रह गया, एक घंटे के बाद मैंने और उमर भाई ने बस में होना है पेशावर की, और सुबह कोई ना 7-8 बजे के करीब पेशावर पहुंचेंगे। 2 घंटे बाद जो है ना मार्केट खुलेंगी, फिर खजाना गुड्डे ही गुड्डे होने वाले हैं। आप लोगों को बहुत मजा आएगा जी। उमर भाई चले? बिल्कुल चले यार, काफी ज्यादा टाइम जो है ना वो हो चुका है, रात हो गई है, अभी हमारा जो है ना टाइम हो गया जाने का, तो जल्दी से निकलते हैं। अड्डे पे ना हम आ चुके हैं, बस का वेट कर रहे हैं। 5 से 6 मिनट के अंदर ना बस ने आ जाना है। उमर भाई हमारे यहाँ पे बैठे हुए हैं, उमर भाई भी वेट कर रहे हैं और मैं भी वेट कर रहा हूँ। बस ना अभी आ चुके हैं, ये सामने खड़ी हुई है, अभी मैं भी अंदर चला जाता हूँ, उमर भाई भी चले गए हैं। बस के अंदर ना हम बैठ गए हैं। उमर भाई पेशावर जा रहे हो? जा रहे बोलो तो सही यार। पेशावर जा रहे, गुड्डे शुड्डे लेने के लिए जा रहे हैं, किसी को ऊंची ना बोलो, पता लग जाएगा यार सबको। डन करो। डन हो गया। अभी ना हम जो है ना आप लोगों को पेशावर ही मिलेंगे, रास्ते में जो एक्टिविटी होगी वो भी बताएंगे आपको। उठ के देखा कि यार जो है ना हमारा जो स्टॉप है ना जहाँ पे हमने जाना है वो थोड़ा सा रह गया, ये देख सकते हो। अभी जो है ना अड्डा आ गया, उतरते हैं बस से ना। बस से उतर चुके हैं मैं और उमर भाई। उमर भाई सर्दी काफी है, बहुत ज्यादा ठंड है यार इधर, बहुत ज्यादा ठंड है। अभी रक्षा करवाते हैं और चलते हैं यकातुद बाजार, जहाँ से गुड्डे छुड्डे मिलते हैं। चले चलो चलो। डन हो गया, रिक्शा करवा लिया। अभी हम जो है ना यकातुद बाजार ही जा रहे हैं। दरवाजा भी खोल गया, इधर उमर भाई भी बैठ गए और मैं भी जो है ना बैठ गया। रक्षे से ना अभी उतर चुके हैं, थोड़ा सा पैदल चल लेते हैं। थोड़ी दूरी मार्केट है, वहां पे पहुंच के आपको दिखाते हैं मार्केट खुली है या नहीं खुली हुई। काइट वाली मार्केट में आ चुके हैं। अभी सारी की सारी जो मार्केट है ना बंद है, आप लोग चेक कर सकते हो, खुली नहीं हुई। इधर मैं आप लोगों को चेक करवाता हूँ, ये देखो यहाँ पे ना बहुत बड़े बड़े जो है ना अभी गुड्डे, एक बड़े वाला गुड्डा उन्होंने न्यू तैयार किया है। अभी हम जो है ना थोड़ा आगे जा रहे हैं, नाश्ता वगैरह करते हैं, वापस आते हैं, फिर आप लोगों को दिखाते हैं यहाँ पे हमें कौन कौन सा गुड्डा देखने के लिए मिलेगा, छोरे छोरे सारा कुछ आपको शो करवाएंगे। भूख ना काफी ज्यादा लगी हुई थी, मैंने और उमर भाई ने सोचा क्यों ना नाश्ता वगैरह कर लिया जाए, हलवा पूड़िया और साथ में जो है ना चने वगैरह मंगवाए, और साथ में हमने जो है ना छोटी छोटी बाकर खानियां रखी हुई है। नाश्ता करते हैं फिर आपसे मिलते हैं। नाश्ता कर लिया हमने, अभी जो है ना जैसे ही मार्केट खुलती है ना तो आप लोगों को काइट ही काइट आपका भाई दिखाएगा। जो सराज वाले हैं ना उनकी शॉप खुल गई है, मतलब जो काइट फर्स्ट काइट की शॉप है ना वो खोल ली गई है, वो चेक कर सकते हो, सामने जो है ना खुल चुकी है। अभी बारी बारी ना आपका भाई आपको सारे के सारे जो है ना काइट दिखाता है, कौन कौन से, क्योंकि बसंत की तैयारियां कर रहे हैं, ये बहुत सारा जो कमाल का स्टॉक है ना आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। तो अभी आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं कौन कौन सा स्टॉक है इनके पास और किस तरह के काइट्स हैं। थोड़ा सा ना मैं आगे आया हूँ और ये देख सकते हो हमारे जो प्यारे खान साहब है ना, उनका जो काइट है ना यहाँ पे बना के इन्होंने रखा हुआ है, दिलचिल लगे हुए हैं, बहुत ही लेवल का काइट है। और उसके बाद ये देख सकते हो सिद्धू मूसेवाला जो के सिंगर हैं, काफी ज्यादा मतलब लोग ना इन्हें जानते हैं और फेवरेट है सबके, मेरे भी फेवरेट है। और ये चेक कर सकते हो एक दोखली गुड्डा यहाँ पे जो है ना भाई ने लगाया हुआ है, गोल्डन जो है ना यहाँ पे इसकी डिजाइनिंग शिजाइनिंग की गई है। आगे भी काफी सारे काइट्स हैं, आगे जा जाके ना आपको सारे काइट्स दिखाता रहता हूँ। अभी ना थोड़ा सा मैं पास आया हूँ, इधर भी इमरान खान का जो तस्वीर वाला गुड्डा लगा हुआ है, और ये देख सकते हो इधर भी ये गुड्डे काफी लाजवाब है, ये चेक कर सकते हो। यहाँ पे जोकर वाला काइट भी है और देख सकते हो सिद्धू मूसे वाला काइट भी है,
और इसके बाद जो है ना मनी हाइस्ट वाली जो फिल्म है ना उसका जो काइट है ना वहाँ पे लटकाया हुआ है। बाकी कुछ जो काइट्स है ना सिंपल भी आप लोग चेक कर सकते हो और ये देख सकते हो कैदी नंबर 804 जो इमरान खान का जो गुड्डा है ना यहाँ पे इन्होंने लटकाया है और जो है ना बहुत ही लेवल की जो है ना ये मच्छर काइट होता है ये लटकाई हुई है और बहुत खूबसूरत है। एक ये काइट आप लोग चेक कर सकते हो कितनी लेवल की है ये देख सकते हो जर्मन पेपर है ओरिजिनल वाला और बहुत ही खूबसूरत काइट लग रही है मुझे तो काफी पसंद आई है। साथ में 2024 के गुड्डे भी लगाए गए हैं और उधर बाकी थोड़े से ना सिंपल गुड्डे लगा रहे हैं। अभी अंदर चलते हैं और आपको सारे गुड्डे बारी बारी दिखा रहा है आपका भाई। अंदर वाली मैं साइड पे आया और चेक करो ये वाला जो सिप्पी काइट है कितना लेवल का लग रहा है और वो वाला भी सिप्पी काइट बहुत ही यूनिक सा है और यहाँ पे भी एक सिप्पी काइट लटका हुआ है और यहाँ पर भी और यहाँ पर टुकले आ जाती हैं ये देख सकते हो काफी ज्यादा तादाद में और ऊपर छोटी छोटी गुड्डियां जो है ना काफी ज्यादा जो है ना लटकी हुई हैं। इधर देख सकते हो यार डिजाइनिंग में काफी ज्यादा खूबसूरत वाली जो है ना टुकल यहाँ पे इन्होंने लटकाई हुई है। इसके बाद जो है ना दूसरी ये वाली टुकल आ जाती है बहुत ही लाजवाब और कमाल की टुकल है। इसके बाद जो है ना यहाँ पे काफी ज्यादा जो सामान है ना डोरों शोरों से भरा हुआ है और ये चेक कर सकते हो जो गुड्डी है ना ठीक है ये टुकल बहुत ही कमाल की खूबसूरत सिंपल काइट्स है। और जो है ना अभी भाई यहाँ पे सफाई कर रहे हैं अभी मैं थोड़ा सा ना साइड पे जाके आपको बाकी वाली काइट्स भी दिखाता हूँ। यहाँ पर ना काइट काफी ज्यादा पड़े हुए हैं ये देख सकते हो मैं आपको दिखाता हूँ ये वाली जोड़ी काइट है और डिजाइन इसका चेक करो कितना ज्यादा प्यारा है। ये पीछे से सिंपल है और आगे से काफी ज्यादा प्यारा बना हुआ है। अभी इसे भी थोड़ा सा ना साइड पे रख देते हैं। बाकी जो है ना ये देख सकते हो एक जोकर वाला है ये भी काफी ज्यादा प्यारा लग रहा है मुझे तो ये चेक कर सकते हो काफी ज्यादा खूबसूरत काइट है ये वाला क्योंकि इसके ऊपर जो है ना इन्होंने स्टिकर लगाया हुआ है बड़े अच्छे तरीके से और काफी अच्छा लग रहा है। इसके बाद जो है ना डैमेज काइट है कुछ और जो है ना कलर उड़े हुए हैं बाकी का है ना। यहाँ पर ना ये देख सकते हो ढाई ताले आ जाते हैं बहुत ही कमाल के जिसके ऊपर ना थोड़ी थोड़ी मिट्टी लगी हुई है बाकी साफ कर दिया जाए ना तो ये काफी खूबसूरत है। डिजाइनिंग वगैरह काफी अच्छी की गई है और ये देख सकते हो पीछे से ना सिंपल ही है बाकी तो आगे से काफी अच्छी डिजाइनिंग की होती है। पीछे से गुड्डे जो है ना सिंपल ही होते हैं। अभी जो ना आपको ज्यादा बड़े वाले गुड्डे दिखाता हूँ उमर भाई थोड़ा पीछे चले जाए। ये देख सकते हो कि ना काफी कमाल का और बड़ा जो है ना मच्छर साइज जो है ना ये देख सकते हो मच्छर परी काइट और कह सकते हो आप लोग इसे और काफी ज्यादा खूबसूरत है काफी अच्छी इसके ऊपर ना डिजाइनिंग वगैरह हुई हुई है। ये वाली जो काइट है ना इन्हें भी हम लोग एक साइड में रख देते हैं ये देख तो यहाँ पे अच्छे तरीके से ये जो ना नीचे ना गिरे। इसके बाद हमारे पास ना ये बड़े वाले काइट आ जाते हैं ये मैं आपको दिखाता हूँ इसे थोड़ा ना साइड पे कर लेते हैं फिर देखते हैं। ये देख सकते हो काफी इसका जो है ना साइज बड़ा है काइट का ये देख सकते हो आप लोग बहुत बड़ा काइट है मेरे जितना ही है इसका साइज जो है ना काइट का आप लोग साइज इसका देखो कितना ज्यादा कमाल का है। इसके बाद एक ये वाला पड़ा हुआ है और इसके बाद इसके पीछे ना एक और पड़ा हुआ है वो भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ वो भी मैं निकाल लेता हूँ फिर आप लोगों को ना दिखा देता हूँ। अभी और भी ज्यादा जो है ना बड़ा काइट आ जाता है और सेम ऐसे ही साइज है उसका पर काफी बड़ा काइट है ये मैं आपको ना निकाल के चेक करवा देता हूँ। ये देखो यार इसका जो साइज है ना काफी ज्यादा बड़ा काइट है और काफी ज्यादा खूबसूरत भी है और आप इसके डिजाइनिंग देख सकते हो काफी अच्छी हुई है और काफी ज्यादा जो है ना ये डैमेज भी है। इसके बाद ना ये आखिरी वाला काइट है जिसकी ज्यादा अच्छी डिजाइनिंग की गई और फुल डिजाइनिंग से भरा हुआ है देख सकते हो आप लोग काफी बड़ा काइट है और इसकी डिजाइनिंग काफी ज्यादा कमाल की गई है। पीछे से यार सिंपल ही है इसका जो पेपर है ना वो भी काफी अच्छा लगा हुआ है इसके ऊपर और इसका जो साइज है ना वो आप लोग चेक करो ये 5 तावा गुड्डा है और 5 से 6 तावा गुड्डा ये वाला ना इसका साइज इतना है और काफी ज्यादा खूबसूरत काइट है। इसके बाद जो है ना हमारे पास ये वाला काइट आ जाते हैं छोटे हैं सिंपल काइट है जो कि यहाँ पे पड़े हुए हैं ये जो है ना पुराने आप लोगों को जो है ना सारे आपका भाई जो नए काइट्स है ना वो दिखाते हैं। अभी ना आप लोगों को दिखाता हूँ ये देखो काफी कमाल का यार यहाँ पे जो है ना मच्छर काइट पड़ा हुआ है डोरे छोरे काफी ज्यादा पड़ी हैं तो आपको जो है ना मैं अभी बाद में दिखाऊंगा कौन कौन से पड़े हैं पीस। इसके बाद ये देख सकते हो 2024 का कुल्हाड़ी वाला जो पीस है ना यहाँ पे मच्छर काइट का बनाया हुआ है इन्होंने और इधर जो है ना कैदी जो है ना 804 वाला जो इन्होंने बनाया हुआ है ये देख सकते हैं हमें इंसाफ मिलता है या नहीं मिलता। इसके बाद ये देख सकते हो छोटी वाली जो गुड़ियां ना मुझे बड़ी कमाल की लगती है काफी ज्यादा जो है ना ऊपर लटकाई हुई है। इसके बाद ये देख सकते हो इस बार तो ना इमरान खान का जो है ना इन्होंने फुल VIP जो गुड्डे शुड्डे है ना वो बना के रखे हुए हैं। इसके बाद ये देख सकते हो कि क्या हम कोई गुलाम है और इसके बाद ये वाला एक देख सकते हो पीस पड़ा हुआ है के बाद एक ये वाला जो सिद्धू मूसे वाला बना हुआ है ऊपर चरखियां चरखियां पड़ी हुई हैं। अभी जो है ना इस साइड पे जो है ना काफी ज्यादा सामान है टुकले शुकले है वो भी आपका भाई आपको दिखाता है।
बिना मैं दोबारा से जो है ना बाहर से शुरू कर रहा हूँ। ये देख सकते हो यहाँ पे जो है ना काफी ज्यादा जो है ना काइट्स लटकी हुई हैं। एक जो है ना ये वाला काफी डिजाइनिंग में जो है ना काइट देखने के लिए मिल जाता है, और एक ये वाला जो मच्छर काइट है 2024 वाला, उसके ऊपर पान पत्ते बने हुए हैं और बॉक्सेस वगैरह बनाए हैं, और इसकी जो पूंछले है ना आप लोग देखो काफी ज्यादा कमाल की लगी हुई है। और इधर जो है ना ये वाला एक काइट है जो कि सिप्पी गुड है। इसके बाद जो है ना आगे चलते जाते हैं, यहाँ पे हमें तुक्कल देखने के लिए मिल जाती है जो कि काफी बड़े साइज में है। इसके बाद यहाँ पे भी सिप्पी गुड्डे हैं, और यहाँ पे भी जो है ना इन्होंने ज्यादातर ना मेरे ख्याल से इस बार जो है ना मच्छर का आईटी बनाए हुए हैं। ये देखो कितने ज्यादा खूबसूरत हैं। वो वाला जो डिजाइन है वो भी अलग है, और ये वाला डिजाइन भी काफी ज्यादा जो है ना अलग है। और काफी ज्यादा काइट है जो कि ज्यादातर इन्होंने ना इमरान खान के बनाए हुए हैं, और साथ में यहाँ पे जो है ना बनाई हुई है, ये देख सकते हो आप लोग काफी ज्यादा बड़ी बड़ी परियां। और यहाँ पे ये देख सकते हो मॉन्स्टर वाला काइट बनाया हुआ है। ये वाले कार्टून भी हम बचपन में देखा करते थे, अभी मुझे भूल गया ये कौन से कार्टून थे, अगर आपको पता है तो लास्ट में से कमेंट करके बताना है। इसके बाद ये देख सकते हैं जो मनी हाइस्ट वाला सीजन है ना, उसका जो इधर इन्होंने करेक्टर की जो तस्वीर है ना यहाँ पे लगाई हुई है। इसके बाद जो है ना ये देख सकते हो यहाँ पे रेड कलर का जो है ना परी काइट हमें देखने के लिए मिल जाती है, ये देख सकते हो काफी ज्यादा तादाद में है। और यहाँ पे ये वाली जो परी है ना देखो, इसके ऊपर काफी ज्यादा जो है ना इन्होंने मेहनत की है, और डिफरेंट कलर इसके अंदर डाले हैं, सारे मुख्तलिफ कलर हैं, पूंछल भी रंग बिरंगी है, सारी की सारी जो काइट है ना रंग बिरंगी इन्होंने बना के यहाँ पे लटकाई हुई है। और दोस्तों हमें जो है ना यहाँ पे ये देख सकते हो तुक्कल मिल जाती है, और इसके बाद ये वाला गुड्डा मिल जाता है जो कि मुख्तलिफ सी डिजाइनिंग में है। इसके बाद आपको ना एक बहुत ही बड़ा काइट आपका भाई दिखाएगा, वो अभी नहीं दिखाना, वो आपको बाद में दिखाऊंगा, वो आप लोगों के लिए सरप्राइज है। इसके बाद आप लोग देख सकते हो ये वाली जो तुकले शुकले है ना काफी लगी हुई है। यहाँ पे ये खोपड़ी वाला गुड्डा आप लोग देख सकते हो जिसने सिगरेट अपने मुंह में डाली हुई है, और यहाँ पे इन्होंने लटकाया हुआ है। तुकले जो है ना सिंपली अभी तक जो है ना हमें नजर आ रही है। इसके बाद जो है ना ये देख सकते हो यहाँ पे जो है ना सिंपल तुकले भी काफी ज्यादा प्यारी हैं, ये देख सकते हो आप लोग काफी ज्यादा अच्छी लग रही हैं यहाँ पर ना लटकी हुई जो तुकले शुकले हैं ना। इसके बाद हमारे पास ये वाला आ जाता है मच्छर काइट जो कि बाहर भी लटका हुआ था, पहले भी हमने देखा है। इसके बाद ये देख सकते हो फिर मनी हाइस्ट का जो करेक्टर वाला है ना सीन वो आ जाता है। ये वाला जो कार्टून है ना ये भी बचपन में देखते रहे हैं, इसका भी करेक्टर इन्होंने यहाँ पे लगाया हुआ है। इसके बाद ये देख सकते हो काफी ज्यादा जो स्टॉक है ना गुड्डों का यहाँ पे पड़ा हुआ है। ये देख सकते हो ये सारे के सारे जो है ना 2.5 तावे गुड्डे पड़े हुए हैं, ये चेक कर सकते हो आपका भाई आपको दिखाता जाता है बारी बारी ना कौन कौन से गुड्डे हैं। ये देख सकते हो सारे के सारे जो है ना 2.5 तावे हैं। ये जो है ना सिंपल डिजाइनिंग है, इतने ज्यादा कुछ खास नहीं है, जैसे कि वो सारे लगे हुए इतना वो कुछ ज्यादा खास है और अच्छे हैं। और ये देख सकते हो इधर जाना काफी ज्यादा काइट्स आ जाती हैं, चेक कर सकते हो आप लोग। ये देखो यार यहाँ पे जो है ना ये वाले थोड़े मुख्तलिफ हैं और अच्छे लग रहे हैं काइट्स, ये चेक कर सकते हो। ये हम जो है ना लेके भी जाएंगे अपने जो है ना काइट स्टॉक के लिए, मतलब अपना जो है ना काइट स्टैश वो लेके जाएंगे यहाँ से, काफी ज्यादा सामान लेके जाएंगे। इस बार जो है ना आप लोगों को फुल शो करवा देना है। ये देखो दीवार के ऊपर इन्होंने पेंटिंग शेंटिंग बनाई हुई है फुल भार के साथ, और यहाँ पे ये चेक कर सकते हो काफी ज्यादा तादाद में ना उन्होंने टुकले शुकले लटकाई हुई है, बहुत ही कमाल का सीन हो गया। ये वाले जो काइट्स है ना आप लोगों ने सारे देख लिए हैं, ठीक है। ये कुछ रह गए थे, ये चेक कर सकते हो, ये सिंपल ही है, कुछ खास नहीं है। अभी जो है ना हमने दूसरी शॉप पे भी जाना है, वहाँ पे भी आपको काफी ज्यादा काइट्स दिखाएगा आपका भाई। अभी मैं क्या करता हूँ, अभी जो डोरे शोरे है ना वो दिखाता हूँ, उसके बाद एंड पे आप लोगों को बहुत ही कमाल के जो है ना बड़े 2 काइट दिखाऊंगा जो की आपका दिल जीत लेने वाले है। उससे पहले जो डोरे शोरे है ना वो आपका भाई आपको चेक करवाता है। अभी मैं क्या करने वाला हूँ आप लोगों को ना डोरे शोरे जो है ना वो दिखाने वाला हूँ, ठीक है। ये चेक कर सकते हो डोरे नहीं केमिकल है, ठीक है। के बाद ये देख सकते हो कि यहाँ पे जो है ना केमिकल काफी ज्यादा बड़ा पीस आ जाता है जो कि मेरे ख्याल से SSB वालों का है, और जो है ना इसका जो साइज है ना आप लोग देख सकते हो कितना ज्यादा यार बड़ा है, काफी बड़ा साइज है। इनकी प्राइस वगैरह जो है ना काफी भाई पूछते होते हैं यार प्राइस वगैरह हमें नहीं पता होता है, वो जब आप लेने आते हो तभी ये बताते हैं, नहीं तो नहीं बताते। इसके बाद जो है ना यहाँ पे ये देख सकते हो ब्लैक कलर में पीस आ जाता है जिसके ऊपर डॉलर बना हुआ है, और इसके बाद ये वाला पीस चेक करो यार पैकिंग में आ जाता है, बहुत ही लाजवाब और खूबसूरत पीस है। ये चेक कर सकते हो डॉलर का पीस है और काफी कमाल का खूबसूरत पीस है। इसे जो है ना यहाँ पे रख देते हैं, ये वाला जो रैक है ना ये सारा इसी पीस का। इसके बाद जो है ना इसके ऊपर जो है ना पांडा वाला आ जाता है कुप्पा, ये देख सकते हो पांडा बना हुआ है। इसका जो साइज है ना आप लोग देख सकते हो डोर काफी मोटी है एक तो, और जो साइज है इसका काफी ज्यादा जो है ना बड़ा है। इसे जो है ना यहाँ पे रखते हैं, और ये वाली चेक करते हैं, ये देख सकते हो वर्स गोल्ड,
ये वाला पीस जो है ना बारीक भी है और इसका जो साइज है वो भी बहुत ज्यादा जो है ना बड़ा हुआ है। इसे भी यहाँ पे रख देते हैं। इसके बाद जो है ना यहाँ पे काफी ज्यादा रश है, शोर देखने के लिए मिलेगा। आप लोगों ने ना उस चीज को इग्नोर मारना है। इसके बाद जो है ना ब्लड फाइटर आ जाता है, जो कि मेरे ख्याल से ये लोकल पीस है, कुछ खास नहीं है। इसे जो है ना यहाँ पे रख देते हैं। इसके बाद जो है ना यहाँ पे आ जाता है शूटर का पीस। ये देख सकते हो, शूटर का पीस तो बड़ा ही लाजवाब है, बारीक है। एक तो फुल साइज इसका जो है ना बारीक है, ये देख सकते हो आप लोग, ब्रेक साइज में आ जाता है। और इसने जो है ना गुड्डियां जैसे काटनी है, जैसे स्वाब का काम होता है ना, इस तरह ये गुड्डियां शुड्डियां काटेगा। इसके बाद जो है ना यहाँ पे देख सकते हो ये वाला पीस आ जाता है। कौन सा पीस है ये वाला? ये भी शूटर का है। ये जो कुछ रैक है ना यहाँ पे, ये शूटर के लगे हुए हैं। ये वाला पीस चेक कर लेते हैं, ये कौन सा है? ये देख सकते हो बुराक वालों का है। और हुए यार, डोर चेक करो, मतलब केमिकल चेक करो कितनी ज़्यादा है इसके अंदर भरी हुई है और काफ़ी लेवल की है। इसे यहाँ पे रख देते हैं। ये जो खुले हुए कुप्पे हैं ना, ये पता नहीं किस ब्रांड के हैं। और इसके बाद ये देख सकते हो यहाँ पे जो है ना ओरिजिनल थ्रेड आ जाता है। ये चेक करो, इसका भी साइज़ काफ़ी ज़्यादा जो है ना बड़ा है। इसके बाद जो है ना नीचे बैठ के चेक कर लेते हैं, ये कौन सा है? ये देख सकते हो, ये डायमंड ड्रैगन वालों का है, डायमंड कह रहा हूँ मैं। ये चेक कर सकते हो, इसका भी जो साइज़ है ना काफ़ी ज़्यादा भारी है। और ये आधा किलो का पीस है मेरे ख्याल से ना। इसके बाद ये वाले कुप्पे जो है ना थोड़े अच्छे लग रहे हैं। नहीं यार, अच्छे नहीं है, ठीक है। बस ये वाला जो है ना किलर वाला है, वो ये कुप्पा बहुत ज़्यादा जो है ना ये वाला भारी है। इसके बाद बहुत सारा सामान है, बारी बारी आपका भाई दिखा रहा है। इसके बाद ना यहाँ पे ये चेक कर सकते हो, जो है ना यहाँ पे बुराक वालों के पीस पड़े हुए हैं काफ़ी ज़्यादा, जो कि आपके भाई ने दिखा दिया। ऊपर जो वर्स गोल्ड जो है ना वो वाले पीस पड़े हुए हैं। इसके बाद यहाँ पे जो है ना ये ब्लड फाइटर का सारा सामान पड़ा हुआ है। ये देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा स्टॉक है और काफ़ी ज़्यादा जो है ना बारीक जो है ना थ्रेड है। इसके बाद ये देख सकते हो चरखियाँ पड़ी हुई हैं, मोटी चरखी जो है ना, मोटी वाली, जो मोटी केमिकल होती है, ये देख सकते हो काफ़ी मोटी है। और ये चेक करो, अभी मैं इसे मोड़ आऊँ ना तो ये इस तरह से हो रही है, ये चेक कर सकते हो। और ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी जो है ना चरखियाँ यहाँ पे पड़ी हुई हैं। कौन सा ब्रांड है चेक कर लेते हैं, यार इसे घुमा लेते हैं। ये देख सकते हो, ये डायमंड वालों की जो है ना चरखियाँ, इनका साइज़ मोटा है। और क्या कर सकते हैं, इससे जो है ना पाँचता हुआ छठा हुआ ईजीली उड़ जाएगा और आप लोग काट भी सकते हो गुड़ियाँ शुड़ियाँ। ये वाले पीस काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। हाँ यार, ये वाला पीस काफ़ी अच्छा है, ये देख सकते हो, 30 mm वालों का, इसलिए अच्छा लग रहा है। और ये चेक करो, यहाँ पे ये वाला पीस निकला हुआ है, बारीक केमिकल है, फुल VIP जो है ना केमिकल, आप लोग चेक कर सकते हो। इसे भी जो है ना यहाँ पे रख देते हैं। काफ़ी ज़्यादा स्टॉक, बहुत स्टॉक है यहाँ पे। इस बार तो ना हम थक जाएंगे आप लोगों के लिए व्लॉग बनाते बनाते ना, फिर भी जो है ना ये चेक करो, बारीक केमिकल। और इसके बाद देख सकते हो ये पापा काइट वाले हैं, ये इनका भी मांजा काफ़ी भारी है और साइज़ भी जो है ना काफ़ी अच्छा है। रेट शेड जो है ना आप लोगों ने पूछते रहना कि यार रेट बताओ, रेट बताओ, रेट जो है ना ये भाई लोग ही बता सकते हैं। आप इधर आके इनसे रابطہ करें और पता करें, ये आपको बता देंगे, ठीक है। इस तरह यार कम ज़्यादा होता रहता है रेट, फिर आप लोग लड़ते हो आके। यहाँ पे ये देख सकते हो जोकर का पीस है, ये चेक कर सकते हो, यहाँ तक भरा हुआ है, ये चेक कर सकते हो यहाँ तक भरा हुआ है मेरे ख्याल से। बाकी ये सारा का सारा कुप्पा ही है, इसे भी जो है ना फुल है, फुल है, फुल कह रहे हैं भाई, लग तो नहीं रहा फुल। नहीं यार, ये फुल है ना। अच्छा हाँ, अंदर एक पेट भी होते हैं। अच्छा अच्छा ठीक है, ओके हो गया। इसके बाद जो है ना यहाँ पे हिटलर वाला कुप्पा आ जाता है, इसका भी साइज आप लोग देख सकते हो काफी ज्यादा बड़ा है और काफ़ी अच्छा जो है ना पीस होता है। हिटलर वाला भी जो है ना गुड़ियाँ शुड़ियाँ काटने में बहुत ज़्यादा फायदा देता है। जी जी, ये फर्क है, मैं क्या इसमें पेट नहीं है। हाँ सही हो गया, ठीक है, ओके शुक्रिया। तो अभी जो है ना हमारे पास ये वाला देख लेते हैं कौन सा आ जाता है। ये देख सकते हो गुरुजी आ गए हैं भाई, गुरुजी, गुरुजी का भी पीस का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा है और साइज़ भी जो है ना काफ़ी अच्छा है, काफ़ी मतलब बड़ा है, ये देख सकते हो। और भार भी बहुत ज़्यादा है, मतलब अच्छी क्वांटिटी में जो है ना इसमें मांजा देखने के लिए आप लोगों को मिल जाएगा। जो इस वाली साइड पे सारे थे ना आप लोगों को आपके भाई ने जो है ना दिखा दिए हैं। इसके बाद जो है ना यहाँ पे ना ये चेक कर सकते हो, ये कुछ मुझे ना खास लगा है, इसे मैं निकाल के चेक करता हूँ क्या है इसके अंदर। ये चेक कर सकते हो, इसके ऊपर जो है ना TMA वालों का जो है ना थप्पा लगा हुआ है और ये काफ़ी अच्छी चीज़ लग रही है। ये देखो इसकी पैकेजिंग काफ़ी अच्छी की गई है और ये डॉलर का निशान भी दिया हुआ है ऊपर जो है ना,
काफी अच्छा पीस है, बहुत ही कमाल का लग रहा है मुझे तो यार ये वाला ना, ये काफी अच्छा थ्रेड है क्योंकि इसकी पैकेजिंग से जो है ना पता लग रहा है, और ये कम से कम जो है ना काफी महंगा पीस होगा ये वाला। तो दोस्तों जो डोरे शोरे है ना वो सारी आपको मैंने दिखा रही थी, कुछ रहती है वो भी आपको दिखा दूंगा जो कुछ खास है ना, उसके बाद ये चेक कर सकते हो कि कितना कमाल का काफी बड़ा जो ना छह दावा गुंडा है, और इसकी डिजाइन भी काफी ज्यादा अच्छी की गई है क्योंकि इसके ऊपर ना काफी ज्यादा रंग बिरंगे जो है ना डिजाइन किए गए हैं, अलग अलग कलर का पेपर लगाया गया है। ये वाला मैं टाइप कह रहा था कि आप लोगों को ना एंड पे दिखाऊंगा, ये दिखा दिया है। इसके बाद जो है ना कुछ डोरे भी दिखानी है, एक और गाइड है अभी वो भी दिखा था। इसके बाद जो है ना दूसरा जो बड़े वाला कार्ड था ना मैं उसकी बात कर रहा था, वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये चेक करो यार, कैदी नंबर 804 वाला गुड्डा ये बनाया हुआ है इन्होंने ना, हैप्पी न्यू ईयर का बनाया था। इसके ऊपर जो है ना इमरान खान की तस्वीर वगैरह लगा दिया, ये चेक कर सकते हो। और यहाँ से जो है ना ये देखो, यहाँ से ना थोड़ा सा जो काइट है ना ये देख सकते हो आप लोग, फटा हुआ है पर कुछ नहीं होता यार, हमारा जो है ना शौक पूरा करवा रहा है। इसका साइज देखो यार कितना ज्यादा बड़ा है ये वाला काइट, और काफी ज्यादा जो है ना खूबसूरत भी है। कुछ ना चरखियाँ शरखियाँ रह गई थी बड़े साइज वाली, वो मैं आपको दिखाना भूल गया था, और मैंने वीडियो में कह दिया था कि यार आप लोगों को दिखा दूंगा। ये देख सकते हो यहाँ पे ना कुछ बड़े साइज वाले जो चमकीले पीस है ना वो पड़े हुए हैं, जो कि बड़े लाजवाब हैं। ये वाला आप लोग देख सकते हो काफी ज्यादा चमक भी रहा है, और इसकी जो बरीकनेस है ना वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देख सकते हो काफी बरीक है, और ये भी गुड्डे काटने में काफी अच्छा रहता है। इसके बाद ये ऊपर जो है ना जो चीता शीता है ना उसकी तस्वीरें बनी हुई है, जैगुआर है ये वाला पीस, और ये चेक कर सकते हो काफी ज्यादा तादाद में पड़े हैं। एक वो जो है ना ऊपर पीस पड़ा हुआ है बॉक्स के अंदर, वो कुछ स्पेशल लग रहा है, वो मैं आपको ना उतार के दिखाता हूँ। इसके बाद आप लोग देख सकते हो ये वाली जो है ना चरखी, ये डोर वाली चरखी है, पर जो बारीक डोर होती है ना जो पहले इस्तेमाल किया करते थे हम, जो सेव होती थी पतंगबाजी के लिए और कोई मसला वगैरह नहीं होता था इसे उड़ाने में ना, तो ये वो वाली है, चेक कर सकते हो। इसे जो है ना यहीं पे रख देते हैं ऊपर, ये मैंने रख दिया। इसके बाद जो है ना ये छोटी छोटी जो है ना यहाँ पे पीस पड़े हुए हैं, ये देख सकते हो जो रोल्स रॉयस वाले हैं, ये सिंपल पीस हैं, कुछ ज़्यादा खास नहीं है। इसके बाद जो है ना वो ऊपर वाला जो बॉक्स है ना उसे उतारते हैं और देखते हैं उसमें क्या है। दोस्तों हमारे पास ना ये गोल्ड कटर का जो है ना बॉक्स आ जाता है, इसके अंदर जो है ना पीस कुछ खास लग रहे हैं, और इनकी जो है ना पैकेजिंग शैकेजिंग भी काफ़ी अच्छी हुई है, और ये जो है ना मेरे ख्याल से हाँ भाई ये खिंचे लगाने वाले पीस हैं, ये भी हम जो है ना बसंत पे इस्तेमाल करेंगे। अगली बार ना बसंत है, मतलब कोई 20-25 दिन बाद बसंत होगी हमारी, बसंत पे हम आएँगे यहाँ से सामान लेके जाएंगे एक तो, और जो है ना बसंत का काफ़ी ज़्यादा सामान लेके जाएंगे और बेचे छिचे करेंगे। ये देखो काफ़ी ज़्यादा बारीक जो है ना ये वाला जो है ना कुप्पा है, ठीक है, काफ़ी अच्छा है, और ये 022 का है। अक्सर लोग ये वाला ढूंढ रहे होते हैं, मिलता नहीं है उन्हें, ये हमें मिल गया क्योंकि मार्केट जो है ना यहाँ से ईजिली मिल जाता है, और इनके पास ही पड़ा हुआ था। और जो इनकी प्राइस वगैरह ना वो नहीं आपको बताएंगे, जो है ना ये खुद ही बता देंगे आपको ना, अगर आप इधर से सामान लेने आओगे तो। मार्केट जो है ना खुलती जा रही है अभी ना, वो चेक करो यार सामने ना कुछ दुकानें खुल गई हैं, गुड्डे छुट्टे उनके पास जो है ना पड़े हुए हैं काफी ज्यादा तादाद में। एक जो शॉप है ना यहाँ पे खुली हुई है, ये भाई के पास भी काफी ज्यादा जो है ना सामान जो है ना गुड्डों का है। उसके बाद यार यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जो है ना एरोप्लेन काइट जो है ना यहाँ पे इन्होंने लटकाया हुआ है, और एक वो भी लटका हुआ है, ये देख सकते हो जो है ना बसंत का हिसाब चल रहा है, इसलिए ना काफी ज्यादा जो है ना दुकानें खुलती जा रही हैं, और जल्दी दुकानें खोली हैं, माल ज्यादा है इनके पास, बहुत ज्यादा स्टॉक है गुड्डों का। आपका भाई जो है ना आपको साथ साथ जो है ना दिखाता जा रहा है, उमर भाई हमारे वो जाते जा रहे हैं। ये देख सकते हो इधर भी काफी ज्यादा जो है ना स्टॉक है गुड्डों का, ठीक है। शकीर रजा वाले जो है ना अभी खुले नहीं है, जैसे ही वो खुलेंगे ना आपका भाई वहाँ पे भी आपको विजिट करवा देगा। उधर भी देख सकते हो काफी ज्यादा जो गुड्डे छुट्टे हैं ना ये चेक कर सकते हो, लटके हुए हैं यहाँ पे बहुत ज्यादा तादाद में है। अभी ना आपका भाई आपको सारी मार्केट आस्ता आस्ता विजिट करवाता है। ये जो मार्केट है ना काफी ज्यादा बढ़िया, ये देख सकते हो इधर भी काफी ज्यादा जो है ना शॉप खुलती जा रही है, और गुड्डे छुट्टे हैं ना यहाँ पे काफी ज्यादा है। ये देख सकते हो यहाँ पे भी जो है ना शॉप खुली हुई है, यहाँ पे भी गुड्डे छुट्टे हैं, और साथ में वो वाली जो शॉप है ना आप लोग देख सकते हो वो भी खुल गई है। तो दोस्तों अभी ना मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि गुड्डे छुट्टे किस तरह से बनते हैं, तीले शीले किस तरह से बनते हैं, सारा जो प्रोसेस है ना आपके सामने होगा। सबसे पहले आपको दिखाता हूँ कि तीले किस तरह से बनते हैं।
तो दोस्तों चेक कर सकते हो यहाँ पे ना काफी ज्यादा जो है ना ढेर लगा हुआ है तिलों का। ये जो तिले ब्लैक ब्लैक नजर आ रहे हैं ना, इन्हें आग का सेका लगवाया हुआ है, इसलिए जो है ना कुछ इस तरह से लग रहे हैं। और कुछ तिले जो है ना वैसे भी पड़े हुए हैं, आप लोग देख सकते हो काफी ज्यादा तादाद में है। यहाँ पे देख सकते हो इनकी छिलाई हुई जा रही है, और तिले जो है ना ये कमान वाले तिले हैं, ये सारे के सारे जो बन रहे हैं ये चेक कर सकते हो, बड़े ही लेवल के और खूबसूरत जो तिले है ना वो बनाए जा रहे हैं। अभी जो बाकी चीजें है ना वो भी आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों अभी जो है ना पेपर किस तरह से जोड़ा जाता है वो भी आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। ये देख सकते हो जो पेपर है ना कुछ इस तरह से जोड़ा जा रहा है, और माशाल्लाह भाई की स्पीड काफी ज्यादा अच्छी है, प्रोफेशनली जो है ना देख सकते हो बहुत स्पीड के साथ जो है ना पेपर को जोड़ते जा रहे हैं, और काफी ज्यादा जो इन्होंने ना पेपर शेपर जोड़ लिए। और जो पेपर है ना कुछ इस तरह से जोड़े जाते हैं, आप लोग देख सकते हो इस तरह से जो है ना इनकी आहिस्ता आहिस्ता डिजाइनिंग होती जाती है। वो टोटल जो है ना आपका भाई आपको बताएगा किस तरह से गुड्डा बनता है। आहिस्ता आहिस्ता सारे भाइयों के पास जा रहे हैं जो गुड्डा पूरा बनाते हैं। कईयों की ड्यूटी होती है तिले बनाने की, कईयों की ड्यूटी होती है कागज वगैरह जोड़ने की, ये सारा कुछ और डिजाइनिंग वगैरह सारा सिस्टम जो है ना आपका भाई आपको समझा देगा। तो दोस्तों आप लोगों ने देख लिया कि पेपर वगैरह जो है ना किस तरह से जुड़ता है। पेपर जुड़ने के बाद ना ये देख सकते हो यहाँ पे भाइयों के पास आ जाता है, और उसके बाद ये देख सकते हो जो पेपर पड़ा हुआ है ना इसके ऊपर कुछ इस तरह से ना भाई तीले लगा रहे हैं अच्छे तरीके से, और गिलू के साथ ना जो डिजाइनिंग वगैरह वो भी करते जा रहे हैं और जोड़ते भी जा रहे हैं। अभी आपके सामने देखना ये थोड़ी सी भाई ने जो है ना लेवी लगाई है यहाँ पे, लेवी लगाने के बाद ये चेक कर सकते हो जो तीला शीला लगा दिया है। इसके बाद जो दूसरी साइड आ गई है, दूसरी साइड पे भी थोड़ी सी लेवी लगाई और वो देख सकते हो तीला लग गया। ये वाला जो है ना स्टेप कंप्लीट हो गया, चेक कर सकते हो आपके सामने ये कमान वाला तीला लग गया। और सेंटर वाला तीला तो बहुत ईजी होता है, वो भी बहुत आसान होता है लगाना। इसके बाद ना मैं आप लोगों को दिखाता हूँ किस तरह से जो है ना धागा वगैरह जो है ना साइडों पे लपेटा जाता है, वो चेक कर सकते हो कि धागा वगैरह ना कुछ इस तरह से लपेटा गया हुआ है। और भाई जो है ना वो छोटे भाई वहाँ पे गिलू शिलू लगाई जा रहे हैं, वो देखो कितने अच्छे तरीके से, और जो है ना वो जगह अच्छे तरीके से जो है ना चिपकती जाती है। ये वाला जो इसका पेपर होता है ना चेक कर सकते हो काफ़ी स्पीड है भाई की, अभी आपके सामने ही देखना ये भाई सारा जो है ना एक सेकंड या दो सेकंड के अंदर ना ये सारा कंप्लीट कर देंगे, वो चेक कर सकते हो ये सारा का सारा जो है ना धागे के ऊपर पेपर लग गया है। इस तरह से जो है ना ये काइट अभी आधा अधूरा जो है ना बन गया, अभी कुछ और भी स्टेप रहते हैं वो भी आपका भाई आपको दिखाता है। जो धागा वगैरह है ना किस तरह से गुड्डे के ऊपर लपेटा जाता है वो भी आपको मैं चेक करवा देता हूँ। वो देख सकते हो जो भाई है ना वहाँ पे धागा वगैरह जो है ना लगा रहे हैं अच्छे तरीके से, वो चेक कर सकते हो। इसके बाद जो है ना वो तीला जो है ना ठीक है वो देख सकते हो इनके आसपास जो है ना अच्छे तरीके से जो भाई है ना धागा वगैरह लगाएंगे, ये अभी आपके सामने लगेगा, ये चेक कर सकते हो। नीचे वाले कॉर्नर से शुरू किया, दूसरे वाले कॉर्नर पर आ गए हैं, अभी यहाँ से तीसरे वाले और चौथे वाले, ये देख सकते हो इतना आसान काम है। ये सिर्फ जो है ना धागा वगैरह लपेटना, और भाई जो है ना प्रोफेशनल है इस काम में, इसलिए वो बड़ी स्पीड के साथ कर रहे हैं। तो दोस्तों अभी जो है ना तुक्कल शुक्कल बनाई जा रही है, उस वाली साइड पे है, वो किस तरह से बनती है आपको दिखाते हैं। ये देखो ये तुक्कल बनी पड़ी है, चेक कर सकते हो अंकल जी क्या कर रहे हैं कि ये जो पेठा बना हुआ है ना इसका, इसके ऊपर तीले शीले लगाएंगे, तीले शीले पहले से बने हुए हैं, ये पड़े हुए हैं, ये चेक कर सकते हो बड़े लेवल के यार अच्छे वाले जो तीले ना ये चेक कर सकते हो बने पड़े हैं यहाँ पे। इन्हें यहाँ पे रखते हैं तिलों को, और चेक करते हैं किस तरह से जो है ना स्टेप बाय स्टेप तुक्कल का जो है ना पेठे वाला हिस्सा बनता है। उसके बाद जो है ना तुक्कल ये देख सकते हो तीले शीले जो है ना अंकल जी ने लगा लिए हैं, ये तो हमसे बड़ी मुश्किल से लगते हैं, वो देख सकते हो ये प्रोफेशनल हैं, इसलिए जो है ना बड़े आराम से जो है ना ये काम कर लेते हैं, हमसे थोड़ा सा मुश्किल होता है ये काम। और चेक कर सकते हो आपके सामने किस तरह से जो है ना प्रोफेशनली अंकल जी ने ना पेठा छिटा मुकम्मल कर लिया है, और तीला शीला लगा लिया, वो देख सकते हो। अभी जो छोटे छोटे स्टिकर लगाए जा रहे हैं कि वहाँ से तीला शीला जो है ना निकले ना, अभी जो गिलू शिलू है ना वो साइडों पे लगाई जाएगी अच्छे तरीके से, कि जो इसका साइड वाला हिस्सा है ना अच्छे तरीके से चिपक जाएगा तीले के साथ। ये चेक कर सकते हो कुछ इस तरह से रख के ये गिलू के साथ इसे लगा लिया है, ये इस तरह नीचे से करेंगे, अब ऊपर से मतलब आमने सामने काम होता है, फिर जो है ना अच्छे तरीके से जो है ना सिलवटें वगैरह भी नहीं पड़ती, और तुक्कल का जो हिस्सा है वो भी बड़ा अच्छा बन जाता है। अभी जो है ना धागा वगैरह लगाया जा रहा है आसपास, अच्छे तरीके से धागा वगैरह लगाया जाएगा। इसके बाद जो है ना धागा वगैरह तो लग गया, इसके बाद जो है ना सेंटर वाला तीला लगेगा, नीचे वाला ऐसा लगेगा, चूंच के ऊपर कागज वगैरह लगेगा, फिर पूंछ लगेगी, फिर जाके हमारी तुक्कल रेडी होगी। मैंने आपको दिखा दिया था कि किस तरह से जो है ना गुड्डे शुड्डे बनते हैं, स्टॉक वगैरह सारा जो काइट है वो दिखा दिए, चरखियाँ वगैरह दिखा दी। इसके बाद मैं आपको एक और चीज़ चेक करवाता हूँ, ये चेक कर सकते हो जो चरखी है ना वो लपेटी जा रही है बड़े अच्छे तरीके के साथ, और जो है ना ये सारा का सारा जो कुप्पा है ना इस चरखी के ऊपर लपेट लिया जाएगा, और ये बहुत अच्छे तरीके से प्रोफेशनली काम हो रहा है।
आपके लिए पूरा एक अच्छा व्लॉग आपके भाई ने बना दिया। मैं और उमर भाई ना पेशावर से निकले हैं। इस तरह ही उमर भाई बिल्कुल यार थकावट जो है ना वो बहुत ज्यादा हो चुकी है और भूख भी बहुत लगी हुई है। मास हुई हुई है उमर भाई जो है ना बिस्किट खा रहे हैं, देखो एंजॉय कर रहे हैं। भूख लगी है यार, बहुत भूख लगी हुई है उमर भाई को। पानी शानी रखा हुआ है उमर भाई यार, खाई पी जा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, मौजे कर रहे हैं। वैसे बहुत ज्यादा जो है ना हम थक गए हैं, अभी जो है ना घर जाके आप लोगों से मिलेंगे। घर वापिस आ चुके हैं, सुबह 6 बजे के करीब ना हम पहुंच गए थे मैं और उमर भाई, उसके बाद आके हम सो गए थे। बहुत मेहनत की है इस व्लॉग को बनाने में, आप लोगों ने ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करनी है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओका फिर।